दोस्तों आज की इस वीडियो में फोटोशॉप में आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा, आधार कार्ड में नाम डेट ऑफ बर्थ कैसे चेंज करना है तो इस वीडियो में पूरा सिखाऊंगा, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक जिस आधार कार्ड को इरेज करना है उस आधार कार्ड को हमें फोटोशॉप में लाना है। अभी यहाँ पर हमें यह जो नाम दिख रहा है जूम कर लिया मैंने, यह जो इस नाम दिख रहा है ये इस नाम को मैंने कॉपी करूँगा, इस नाम को कॉपी करके आपको दिखाऊँगा। पहले अभी तो आधार कार्ड आ गया, अभी हमें क्या करना है, इस नाम को चेंज करना है, डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है और ये फ़ोटो को भी चेंज करना है। तो ये कैसे करना है इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा। अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आखिर में बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। सबसे पहले हमें ये नाम इरेज करना है। इस नाम को इरेज करने के लिए हमें क्या करना है, ये जो दिख रहा इस टूल को है, इस टूल को मदद से करके दिखाऊँगा। इसको पहले इस टूल को सिलेक्ट करना है, इसको सेलेक्ट करके हमें क्या करना है, जैसे नाम, ये नाम जो इरेज करना है, इस नाम का नीचे जो बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड का हमें सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे पूरा वाइट है तो हम इकाई से भी इसको कॉपी कर सकते हैं। जैसे ये टूल को लेकर हमें यहाँ से डायग्राम ड्रॉप करके ऐसे मार्क करना है, फिर कंट्रोल प्लस एल दबाना है ताकि आपको यहाँ से मूव करके उस नाम को पूरा नाम के ऊपर इसको रख देना है। ये पूरा रिमूव हो गया। अभी हमें क्या करना है, ये जो डेट ऑफ बर्थ है इसको भी हमें रिमूव करना है। तो फिर से हम वही तरीका आजमाएंगे, ऐसे करके ड्रैगन ड्रॉप करके फिर कंट्रोल प्लस एल दबाना है, फिर इसको धीरे से ऊपर लेकर इसको रखना है। ये भी हो गया। अभी हमें क्या करना है, ये दोनों डेट ऑफ बर्थ और नाम ये दोनों तो इरेज हो गया। अभी हमें तो पहले हम नाम को लिख लेते हैं। अभी हमें नाम में क्या करना है, नाम लिखने के लिए हमें जाना है ये जो टेक्स्ट का बटन दिख रहा है, टेक्स्ट टी, इसके ऊपर क्लिक करना है, फिर हॉरिजॉन्टल टाइप टूल इसको सेलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट करके हमें यहाँ नाम, यहाँ पे नाम लिखना है तो हमें क्या लिखना है, जो नाम है वो हम यहाँ पे डालेंगे। जैसे कि मैं लिखता हूँ अब्दुल्ला अली, ए बी टी यू डबल एल ए एस अब्दुल्ला अली। नाम लिखा तो नाम देखो ये रेड कलर में आ रहा है, तो इसको ब्लैक करना है। इसको ब्लैक कैसे करना है, आपको ये जो रेड दिख रहा है इसी रेड को आपको क्या करना है, ब्लैक कर देना है। जैसे कि आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ब्लैक सेलेक्ट करेंगे। मैं जब ब्लैक को सेलेक्ट किया फिर ओके किया पर तब भी नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको पूरा मूव करना है, फिर यहाँ से हमें ये ब्लैक को सेलेक्ट करना है, फिर ओके पर क्लिक करेंगे तो अभी देखो ये ब्लैक हो गया है। तो आपके हिसाब से जैसा कि कितना ब्लैक होना चाहिए तो उसी हिसाब से आप ऐसे मूव करेंगे, ऐसे मूव करके ऐसे रखेंगे। फिर हमें इसको क्या करना है, अभी तो नाम हुआ तो इसको हम मूव टूल में जाएंगे, फिर यहाँ से इसको धीरे धीरे ऐसे रखेंगे, और अगर इसको छोटा बड़ा करना है तो ऐसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये मूव टूल है, इसकी मदद से हम ऐसे कर सकते हैं। और दूसरा है, अगर आपका नाम में जैसे कि ये नाम में छोटा या बड़ा या कुछ अलग, या से आप बोल्ड या से सेव कर सकते हैं सब कुछ, या सेट कर सकते हैं कितना बड़ा चाहिए या छोटा चाहिए, ये स्ट्रॉन्ग या से आप बोलने से या बड़ा छोटा बड़ा कर सकते हैं और बोल्ड भी कर सकते हैं, या से आप चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हैं, या तो पूरा स्पेस यहाँ पर दिखाई देगा किसमें कितना रखना है, ऐसा कर सकते हैं। ये नाम हो गया। अभी हमें क्या करना है, यहाँ से जो अभी डेट ऑफ डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए हम वही तरीके आजमाएंगे। जैसे सबसे पहले क्रॉप पर क्लिक करते हैं, फिर हम जाएंगे इस टूल में और हॉरिजॉन्टल टाइप पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में जाएंगे। यहाँ पे क्लिक करके हमें डेट ऑफ बर्थ लिखना है, जैसा कि 1901 ऐसे डेट ऑफ बर्थ लिख दिया मैंने। तो इसको छोटा, थोड़ा छोटा करना है तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे मूव करेंगे और यहाँ से इसको 9 कर देते हैं, 9 8 कर देते हैं। देखो देखो पूरा छोटा हो गया है। तो हमें उसी हिसाब से जैसा कि जिस तरह से आपको
सही लगे उस तरह से आपको यहाँ पे रखना है। तो मुझे यही सही लगा कि यही इसको यही रहने देते हैं ऐसे। और इसको भी हमें क्या करना है, अगर अभी इसमें नाम में आप अगर एडिट करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते, देखो यहाँ पे क्लिक ही नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, ये जो नाम है साइट में दिख रहा है यहाँ पे हमें उस नाम के ऊपर क्लिक करना है, फिर हम जाएंगे तो यहाँ पे काम कर सकते हैं। यहाँ पे इसको मैंने सेलेक्ट किया और थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, 8 पर रखते हैं, इसको 10 पर रखते हैं। अब 10 पर रखा तो अभी मुझे ये सही लग रहा है, ये सही है। इस तरह के आप अगर चेंज करना चाहते हैं, नंबर भी है, नंबर भी चेंज कर सकते हैं। और फोटो कैसे चेंज करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमें एक फ़ोटो लाना है कंप्यूटर से, कैसे भी एक फ़ोटो ला के देते, जैसे ये फ़ोटो हम यहाँ पे लगाएंगे। तो इसको सेलेक्ट किया, इसको ओपन किया, फिर आपको ये जिस तरह से एडिट करना है आप एडिट कर सकते हैं। तो मैंने इस कलर बैकग्राउंड कलर को थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। तो फिर ऐसे कलर सेलेक्ट करने के बाद हमें इस टूल में जाना है, मैजिक टूल में, फिर इसको सेलेक्ट करना है, फिर डिलीट बटन पर क्लिक करेंगे। और वो वाला नहीं, इसको सेलेक्ट करना है, वेट वेट, हमें ये म्यूजिक टूल को सेलेक्ट करना है, फिर इसको डिलीट कर देना है। देखिए पूरा आ गया है। अभी हमें क्या करना है, इस फोटो को हम मूव करेंगे, इस मूव टूल को लेकर इस पे फोटो के ऊपर एक बार क्लिक करेंगे, क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे ला के छोड़ देंगे। तो फिर इसको हम जिस तरह से कस्टमाइज करना है तो कर लेंगे, ऐसे कर सकते हैं। तो देखा है ना दोस्तों कितना आसान है फोटो या एडिट करना, कितना आसान है। अगर आपको ये भी कभी साइट में थोड़ा लगा तो ऐसे धीरे धीरे ऐसे कर सकते हैं। और अगर आपको इसमें जैसे कि ये दाग धब्बे दिख रहा है इसको हटाना है तो क्या करना है, ये जो टूल दिख रहा है ये वाला कॉलन स्टैम्प टूल, इसको सेलेक्ट करना है। फिर हमें क्या करना है, Alt दबा के माउस के राइट बटन दबाना है, ऐसे दबा के फिर Alt छोड़ के इसका ऐसे दबाना है, जो कलर हमें इरेज करना है Alt इसको दबाया ऐसे, फिर इसको ऐसे दबाना है। तो देखा है ना दोस्तों कितना आसान है ये नाम वगैरह चेंज करना। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, और आखिर में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।